अभी अभी पटना में भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के इतिहास की एक बहुत बड़ी राजनीतिक रैली थी। आतंकवादियों ने हमला बोला, एक के बाद एक बम धमाके हुए, मंच को उड़ा देने की साजिश हुई, भाजपा के नेताओं को मौत के घाट उतारने की साजिश हुई। रमन सिंह जी ने क्या किया, बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या किया? डॉक्टर रमन सिंह एक संवेदनशील व्यक्ति मीडिया के सामने आए और सार्वजनिक रूप से कहा कि हमारी कोई चूक रही होगी तो हम उसके विषय में गहराई में जाएंगे। उन्होंने न्यायिक तपास की, निर्णय करके आदेश दिए। इतना ही नहीं, उसी पल उन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ लोग मारे गए थे, खुद रमन सिंह उनके घर गए और उन दुखी परिवारों के साथ बैठे। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री सरकार शोक का पालन करे, संवेदना व्यक्त करे, और जिन्होंने उस दिन रमन सिंह का चेहरा देखा होगा टीवी पर, वो कितनी पीड़ा अनुभव कर रहे थे। और उसके दो दिन बाद दिल्ली में हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग थी। पूरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में सभी मुख्यमंत्रियों ने, भारत सरकार ने जिस धैर्य का परिचय श्री रमन सिंह जी ने दिया, जिस धैर्य के साथ सारी स्थिति को काबू करने की कोशिश की, सबने उनका अभिनंदन किया। दूसरी तरफ पटना में इतना बड़ा कांड हो गया और वहां की सरकार राजगीर में बैठ करके महफिल करा रही है, 56 भोग के व्यंजन हो रहे हैं, 56 भोग के भोजन परोसे जा रहे हैं, चेहरे पर पीड़ा का नाम निशान नहीं, जैसे कोई आनंददायक घटना घटी हो। इस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज, इस प्रकार की भाषा। और जब पत्रकार ने पूछा कि आपकी कोई चूक, तो बिल्कुल हुंकार से कह देते हैं, अभिमान से कह देते हैं कि चूक की बात छोड़ो, कोई तपास कराने की इच्छा नहीं है। भाइयों बहनों, एक संवेदनशील मुख्यमंत्री होता है तो कैसा व्यवहार करता है, और अहंकार से भरा हुआ, सिवा राजनीति कुछ नहीं करना, सत्ता के लिए कुछ ही की भी पीछ में सुरभों का, इस प्रकार की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति क्या करता है, ये दोनों चित्र हिंदुस्तान की जनता के सामने हैं। रमन सिंह जी ने संकटों के समय में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को अभिनंदन देता हूं, उनके धैर्य पर अभिनंदन देता हूं।